दुनिया के हर एक 90s किड के दिल में एक परमानेंट जगह बनाने वाले डोरेमोन ने हम सबके बचपन को खुशियों से भर दिया और उन खुशियों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। द मेमोरीज, द चाइल्डहुड मेमोरीज। आज जब मैं अपने बचपन के दिनों को वापस याद करता हूँ तो ऐसी बहुत सी बातें याद आती है जिन्हें मैं आज बहुत मिस करता हूँ, और उन सभी चीज़ों में एक सबसे बड़ी चीज़ थी टीवी में कार्टून्स और एनीमे देखना। हाँ, तब हम बच्चे थे साहब, एनीमे क्या होता है इससे कोई मतलब तो नहीं था, बस हर एक एनिमेशन को कार्टून समझते थे और टीवी चालू करके देखते ही रहते थे। बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था जी। शायद आपको पता होगा, मैं जब छोटा था तो मेरे टीवी में सिर्फ दो ही चैनल थे, डिज्नी चैनल एंड डिज्नी XD। तो होता क्या था, स्कूल से आओ, रिमोट लेके डिज्नी चैनल लगा के बैठ जाओ, और डिज्नी चैनल वाले भी एक ही शो दिखाते थे, डोरेमोन। सच में यार, डोरेमोन के हर एक एपिसोड को देखकर मजा आ जाता था। बट मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब से डोरेमोन इंडियन टीवीज पर एयर होना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। एनिमेशन क्वालिटी तो बदली ही है, जो कि अच्छी बात है, पर हिंदी डबिंग आर्टिस्ट भी बदल चुके हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डोरेमोन के साथ क्या हुआ है। और हाँ, क्योंकि डोरेमोन की मोस्ट अवेटेड मूवी स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 ओरिजिनली जापान में रिलीज हो चुकी है, तो आपको ये भी जानना होगा ना कि ये मूवी इंडिया में कब आएगी और आप हिंदी में कब देख पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। What went wrong with Doraemon's Hindi voice? Doraemon एक जापानीज एनिमेशन है जिसे इंडिया में 2005 में हिंदी में डब करके टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया। एंड डोरेमोन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक सुनियो जियान, शिजुका, नोबिता एसेट्रा। इन सभी कैरेक्टर्स को हिंदी वॉइस कुछ डबिंग आर्टिस्ट देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब डोरेमोन शुरू हुआ तब डोरेमोन को अपनी आवाज सोनल कौशल ने दी। असल में जब वो 13 साल की थी तभी से उन्होंने डोरेमोन को अपनी आवाज देनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने 2005 से 2018 तक डोरेमोन को अपनी आवाज दी। एंड उसके बाद डोरेमोन की वॉइस डबिंग आर्टिस्ट को चेंज कर दिया गया, और ऐसा क्यों किया गया वो सोनल मैम ने बहुत अच्छे से अपने एक वीडियो में समझाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। और सिर्फ डोरेमोन की ही नहीं बल्कि दूसरे सभी कैरेक्टर्स लाइक जियान, सुनियो, नोबिता एक्सेट्रा की आवाज चेंज कर दी गई है, और इन सभी के अपने अलग अलग रीजन है। जैसे सुनियो की हिंदी वॉइस वजाहत हसन ने डब की है, एंड वजाहत सर ने भी अपने एक वीडियो में इस चीज के बारे में अच्छे से बताया कि उन्होंने क्यों सुनियो की आवाज छोड़ दी, एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। देखो, एक वॉइस आर्टिस्ट किसी भी कैरेक्टर को डब करना क्यों छोड़ देता है, उसका सबसे कॉमन रीजन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि वो पार्टिकुलर वॉइस आर्टिस्ट अपने लाइफ में डबिंग करियर को छोड़कर कुछ और भी करना चाहता है। जैसे नोबिता की वॉइस आर्टिस्ट सिमरन कौर थी, जिन्होंने नोबिता को अपनी आवाज देनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें एक्टर और मेरे ख्याल से एंकर बनना था। एंड ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सच ही है, एक इंसान पूरे लाइफ सिर्फ एक चीज तो नहीं कर सकता ना, उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वही चीज वो करेगा। जैसे आज मैं YouTube पर वीडियोस बनाता हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं अपने पूरे लाइफ YouTube पर वीडियोस ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कहीं और लग गया तो मैं वही चीज करूंगा ना, फिर YouTube के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा तो मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा एंड फाइनली YouTube छोड़ दूंगा। लेकिन चलो, वो तो बात की बात है, अभी आप टेंशन मत लो क्योंकि अभी तो मैंने YouTube की शुरुआत ही की है। बाकी बुरा तो मुझे भी लगा कि डोरेमोन के सारे कैरेक्टर्स की वॉइस चेंज कर दी गई है, बट ठीक है, जो बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ उनको जिन्हें डोरेमोन के ओल्ड वॉइस की आदत पड़ चुकी थी, एंड वो कोई छोटा बच्चा तो होगा नहीं, बड़ा हो चुका होगा, है ना। और बड़े होने का मतलब ये कि आप बच्चे नहीं रहे, क्योंकि कार्टून्स बच्चों के लिए होते हैं ना कि बड़ों के लिए। इसीलिए यदि आप 18 प्लस हो चुके हो तो अपने लाइफ के बारे में सोचो, कार्टून्स के बारे में नहीं। सो या, यही एक मैसेज है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और इसके साथ साथ एक डोरेमोन से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज ये भी है कि डोरेमोन की स्टैंड बाय मी मूवी का पार्ट 2 जापान में 20 नवंबर 2020 को रिलीज हो चुका है, एंड वर्ल्ड लेवल पर इस मूवी को फरवरी 2021 को रिलीज किया जाएगा। एंड इंडिया में भी इस मूवी को फरवरी में रिलीज हो जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको एक दो साल का वेट करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ जो लोग स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 को ऑनलाइन देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बात कि अभी ऑनलाइन सिर्फ ट्रेलर ही मिलेगा, मूवी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप 50 VPN लगा लो। बट यदि आप चाहते हो कि ये मूवी जल्द से जल्द इंडिया में आए तो उसके लिए आप नेटफ्लिक्स की हेल्प ले सकते हो। यदि ये मूवी लीगली नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हो जाएगा तो इलीगल तरीके से तो हम सब जुगाड़ू है ही। Well, मैंने नेटफ्लिक्स कस्टमर सपोर्ट से बात की थी जो कुछ ऐसी हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या स्टैंड बाय मी 2 जापान में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो उनने कहा कि जापान और इंडिया दोनों कंट्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यदि आपको ये मूवी चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसे हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड उन्होंने मुझे ईमेल के थ्रू एक लिंक भेज दिया जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नाउ द प्लान इज कि आप सब मिलकर इस रिक्वेस्ट फॉर्म पर स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 लिखकर सबमिट कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी यदि आपके पास कोई और भी तरीका है तो आप उसे भी ट्राई करो, क्योंकि भाई आवाज उठनी चाहिए। सो कमेंट में बता के जाना कि आपका फेवरेट कोडोमो मुंह के एनिमे कौन सा है। मेरा तो ऑल टाइम डोरेमोन है, जो कि हमेशा था, है और रहेगा। यदि आपको मुझसे पर्सनली कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज राजा साइनिंग ऑफ।